नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं तीन ऐसे वर्ड जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और सेंटेंस में यूज करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, तो उसी को मैं अच्छे से समझाने के लिए ताकि आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके और सही जगह पर इस्तेमाल कर सके, आज मैं उन्हीं तीन वर्ड्स को अच्छे से समझाने वाला हूँ प्रॉपर मीनिंग और उसके सेंटेंस के साथ। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है, तो आज हम तीन वर्ड जो सीखने वाले हैं वो है वेयर एवर, वट एवर एंड वेन एवर। तो दोस्तों पहला वर्ड है वेयर एवर। तो वेयर एवर का सही हिंदी मीनिंग है जहाँ भी, मीन्स अगर किसी सेंटेंस में मीनिंग बनता है जहाँ भी तो उस जगह पर वेयर एवर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं मीनिंग में इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देता हूँ, जहाँ भी, एट एनी प्लेस। मीन्स इसका हिंदी वर्ड बनता है जहाँ भी और इंग्लिश वर्ड बनता है एट एनी प्लेस। तो इसको हम आगे सेंटेंस में से अच्छी तरह से समझते हैं। इसका सेंटेंस बनेगा आई मेक फ्रेंड्स वेयर एवर आई गो। मीन्स मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं पर मैं अपने दोस्त बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ भी का जो वर्ड है उसकी जगह पे हमने वेयर एवर यूज़ किया है इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं एट एनी प्लेस तो वो जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनल लगता और इंग्लिश को इफेक्टिव बनाने के लिए हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसीलिए हमने वेयर एवर का यूज़ किया है। तो इसी के साथ हम अगला वर्ड समझते हैं। अगला वर्ड है वट एवर। वट एवर का हिंदी मीनिंग बनता है कुछ भी हो, मीन्स एनीथिंग वी हैव। तो इसको हम मीनिंग में लिख लेते हैं कुछ भी हो और इंग्लिश मीनिंग में लिख लेते हैं एनीथिंग वी हैव। दोस्तों इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। इसका सेंटेंस बहुत ही अच्छे से और आसानी से बन सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, बी हैप्पी विद वट एवर इज अवेलेबल। आपके पास जो भी अवेलेबल है उसके साथ हमें खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिख दिया है, तो आगे अब अगला वर्ड की तरफ चलते हैं हम। अगला वर्ड है वेन एवर। तो दोस्तों यहाँ पर जो मीनिंग बन रहा है वो है जब भी, और इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं एट एनी टाइम, मीन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों वेन एवर का सही मीनिंग जो बनता है वो है दे विल कम वेन एवर वी इन्वाइट देम। हम जब भी उनको इन्वाइट करेंगे वह तभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी का जो वर्ड है वो वेन एवर है, वेन एवर हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम सेंटेंस लिख लेते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस हम यहाँ पे लिख चुके हैं, दे विल कम वेन एवर वी इन्वाइट देम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ पर हमने तीन वर्ड क्लियर कर लिए हैं, वेयर एवर, वट एवर एंड वेन एवर, जिनके मीनिंग जो बनते हैं जहाँ भी मीन्स एट एनी प्लेस, वट एवर का मीनिंग बनता है कुछ भी हो एनीथिंग वी हैव, एंड वेन एवर का मीनिंग बनता है जब भी मीन्स एट एनी टाइम। तीनों को हमने सेंटेंस के थ्रू समझ लिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की एजुकेशनल ट्रिकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। I'm gonna try to do that.